बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, आज की जो प्रोडक्ट है वो है जी एक्नी से रिलेटेड। बहुत सारे लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप की एक्नी होती है, कुछ को बहुत माइनर होती है, कुछ को सिवियर होती है, कुछ को हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है और कुछ लोगों को हेयर ड्राइनेस की वजह से भी एक्नी होती है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट एक्नी के लिए सोल्यूशन भी डिफरेंट ही होते हैं, तो कोई एक सोल्यूशन तो उनका हो नहीं सकता। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको पता होना चाहिए कि हमारी एक्नी जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। अच्छा, हमारे घर में एक किसी को जी एक्नी का इशू था जो कि बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं थी, तो उसके लिए हमने ये रिवाज यूके का एक्नी ट्रीटमेंट 28 डेज जो इनका चैलेंज है वो यूज़ किया था। तो उसका रिव्यू मैं आपको देती हूँ, बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू होगा और ताकि आपको कुछ गाइडलाइन मिल जाए एक्नी से रिगार्डिंग इशूज़ के लिए। चले जी रिव्यू को करते हैं शुरू। अच्छा, इस प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा हाइप थी, बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको यूज़ भी किया। हमने खुद से पहले यूज़ नहीं किया था, लेकिन जब हमने इसको अपने घर में लाए और यूज़ किया तो फिर इसका हमें जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले बता दूं कि आपको इस तरह की ये पैकेजिंग होती है, 5 साल तक की इसकी एक्सपायरी है। अच्छा, इसकी प्राइस है 430 से 450 तक, ये डिफरेंट इसके प्राइस हर जगह इजीली आपको मिल जाएगा। कहीं भी आप जाएं तो आपको इजीली ये रिवाज यूके का जो एक्नी ट्रीटमेंट सिरप है मिल जाएगा। इसका जो है वो पाकिस्तानी ब्रांड है, इसलिए पाकिस्तान में मिलना इससे इसका इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने जो क्लेम किया है वो ये है कि ये एक्नी को ऑयली स्किन को कंट्रोल करता है, ब्लैक वाइट हेड जो आपके नोज़ पे अराउंड योर चीक्स हो जाते हैं उनको क्लियर करता है, और जो एक्नी के पिंपल्स होते हैं उनको रिपेयर करता है। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई ये काम करता है या नहीं करता है। अच्छा, इन्होंने कहा है कि जिन लोगों को सिवियर एक्नी होती है वो 28 डेज के चैलेंज के बाद इसको एक चैलेंज और देंगे, 28+28 डेज, ठीक है। चलें जी हम इसकी पैकेजिंग की तरफ आते हैं। अच्छा, प्राइस वाइज बहुत ही चीप है, बहुत रीजनेबल है, अफोर्डेबल है, ठीक है। इस तरह की इसकी बॉटल है, ग्रीन कलर की, डार्क ग्रीन कलर की। इसके अंदर ये सीरम है, एक सीरम की बॉटल हम यूज़ कर चुके हैं 28 डेज, और ये मेरी बेटी की सेकेंड बॉटल थी। यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये इतनी सी ये रह गई है, ठीक है। तो अब मैं आके इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ कि अंदर से सीरम किस टाइप का है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, वाटर बेस्ड इसका फॉर्मूला है। इन्होंने कहा है जी डे में या नाइट में आप इस तरह इसको लगा के अपनी एक्नी पे अच्छी तरह इसको ऐसे रब करेंगे और फिर छोड़ देंगे, ठीक है। 2 टाइम्स इन्होंने रिकमेंड किया है, लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो हमने सिर्फ इसको नाइट में लगाया था, डे टाइम में नहीं लगाया था। जी अब आ जाते हैं इसके रिजल्ट्स की तरफ कि हमें इसके क्या रिजल्ट्स मिले। अच्छा जी, जो इन्होंने क्लेम किया हुआ है कि ये आपकी स्किन में से ऑयल को ख़त्म कर देता है, तो ये क्लेम इनका बिल्कुल ठीक है, ठीक है। जब आपकी स्किन ऑयली होती है और बार बार ऑयली हो रही होती है, इस सीरम के यूज़ करने से स्किन ड्राइनेस की तरफ जाती है। अच्छा, मेरी बेटी ने इसको यूज़ किया, उसकी स्किन ड्राई होना शुरू हो गई, तो उससे ये हुआ कि हमें उस पर एक्नी तो उसकी ड्राई हो रही थी, लेकिन इसके अलावा स्किन भी ड्राई हो रही थी, तो हमने फिर उसके लिए मॉइस्चराइज़र यूज़ किया ताकि स्किन बिल्कुल ड्राई ना हो, क्योंकि ड्राइनेस से भी पिंपल का इशू हो जाता है। अच्छा, ये फिर हमने एक देखा तो ये बिल्कुल ठीक था इसके लिए। अच्छा, सेकेंड इन्होंने कहा है कि वाइट एंड ब्लैक हेड्स को ये रिमूव करता है। अच्छा, ये वाइट एंड ब्लैक हेड्स को बिल्कुल भी रिमूव नहीं करता, उसके जहाँ जहाँ वाइट एंड ब्लैक हेड्स थे वो वैसे ही रहे, उसके लिए हमें कुछ और ट्रीटमेंट करना पड़ा जिसकी वजह से वो रिमूव हुए। उसके अराउंड द चीक्स थे और नोज़ पे थे, तो वो फिर हमें उसके लिए फेशियल लेने पड़े और फिर हमने उसको उससे स्क्रबिंग करके उसको थोड़ा लाइट किया और फिर वो निकले, तो उसका ये इस तरह का इसका यूज़ था। अच्छा, इस चीज़ के लिए इसने काम नहीं किया, लेकिन एक्नी के लिए काम किया है। अच्छा, ये तो मैं उन लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी जिनकी माइल्ड एक्नी है, माइल्ड टू मॉडरेट है। अच्छा, जो सिवियर एक्नी है उसके लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। मॉडरेट एक्नी वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि अपना 28 डेज़ का साइकिल पूरा करें। अगर उनको अच्छा फील हो रहा है तो देन वो एक और 28 डेज़ का साइकिल फील करें। अच्छा, हमने इसको क्या किया था कि दो बॉटल्स ले ली थी, एक पहले ख़त्म की फिर हमने दोबारा, लेकिन हमें उस तरह इसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। तो जो बिल्कुल ही माइल्ड एक्नी थी वो तो रिमूव हो गई, इससे जो ज़रा सा पिम्पल ऐसा निकल आता था जो थोड़ा सा पस वाला होता था या येलो टाइप का, उसमें फिर बिल्कुल भी ये काम नहीं किया। तो ये बिल मेरे ख्याल में ये माइल्ड एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, वो टीनेजर्स गर्ल्स या बॉयज़ जिनको थोड़ी माइल्ड सी एक्नी होना शुरू हो जाती है तो उसके लिए वो ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अपने मैं जब भी आपको कोई चीज़ रिकमेंड करती हूँ एक्नी के लिए, तो मैं ये ज़रूर रिकमेंड करती हूँ कि उसके साथ आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ करें,
क्योंकि वो ऑयली स्किन को इतना ड्राई कर देता है कि स्किन ड्राइनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। तो आप इसके बाद या इससे पहले अच्छा सा मॉइस्चराइजर ज़रूर यूज़ करें ताकि आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है ना वो बैलेंस रहे। तो अब माइल्ड एक्ने के लिए ये रिकमेंड है, आप ले सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। सबसे अच्छी इसकी बात यह है कि ये बहुत ही रीज़नेबल है और आपको अगर ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं देगा तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं है, साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर है ये और अच्छा है। तो आप इसको माइल्ड एक्ने के लिए जो टीनेजर्स हैं वो ज़रूर यूज़ करें, इसकी पैकिंग बहुत अच्छी है। तो चलें जी, ये था इसका रिव्यू, अब मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।